शाहरुख खान है क्या वो, या अमिताभ बच्चन एक ऐसा था, क्रिमिनल था, मर गया, क्रिमिनल मेरा बाप होगा या मेरे भाई होगा, तो मैं उसको सजा कानून के दिलाने के हिसाब से मैं कहूंगा भाई मार दो, पीट दो, कुछ भी करो। मैं और जब एनकाउंटर कर रहा है तो और भी तो है, अच्छा उनका क्यों नहीं हो रहा? जब बिल्डोजर, जब हर मुस्लिम के घर पे बिल्डोजर चल सकता है तो उसके घर पे क्यों नहीं चल रहा जिन्होंने उसे मारा तीनों को? अच्छा, और वो माफिया था, वो अपराधी था, वो आतंकवादी था। एक मिनट, फिर वो नेता नहीं मानता। अरे तुम तो नहीं मानते, बाकी इमाम तो मानती थी, बाकी पब्लिक डर के मारा मानती थी। जैसे की एक मिनट, जैसे की विकास दुबे को कानपुर में विकास दुबे के नाम से डरते थे लोग, पेशाब कर देते थे पैंट में। लोग आ गए, ये बताओ किन्ने पेशाब करा पैंट में उसका? यार गांडू तो कोई बोटली का यार नहीं है, कभी भी दो को तो लड़ लिया अकेला अकेला। यार यूपी जात नहीं हूँ और जात के यादव है, डरते थे। एक बार जाओगे तो तुम भी मुद्दोगे। भाई मैं भी उत्तर, भाई मैं उत्तरपुर तो खुलवा के बात कर रहा हूँ। मैं तुम भी मुद्दो, तुम्हारे जैसे 50 लोग मुद्दे थे कानपुर जिले में। हाँ बलात्कार ही था, सही हुआ। और जो तिरंगा उनके ऊपर डाल रहे ना, वो तिरंगे का अपमान हो रहा है। ये जो तिरंगे का अपमान हो रहा है, ओ क्या होता है, ओ लुगाई हो गया, ओ लुगाई हो गया। सुनो, नाम क्या? मेरा नाम जसीम है। जसीम जी बताओ, अतीक अहमद के मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? अतीक अहमद के मुद्दे पे पूछ लो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? कैसा था जो मरा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? शाहरुख खान है क्या वो, या अमिताभ बच्चन एक ऐसा था, क्रिमिनल था, मर गया, मैं क्रिमिनल करूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। कुछ लोग उसको मसीहा मान रहे, इसलिए पूछ रहा। अच्छा सुनो, सुनो मेरी बात, मसीहा के नाम से सुन लो। जो मसीहा थे, जो हमारे जो क्रिश्चियन लोग मसीहा जी को मानते हैं, कुछ लोग उनको भगवान सोचते थे और कुछ लोग उनको क्या सोचते थे, ये खतरनाक आदमी, जादू मंत्र करता, अपने साथ ले आता बंदा। तो जो उसका सपोर्ट दे रहे हैं, जो अपना मसीहा समझ रहे, समझने दो, हमारे लिए तो वो क्रिमिनल था, क्रिमिनल मर गया, बात खत्म। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं वो कहना नहीं चाहता, मैं एक पहले सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। ये बात मत बोलो आपकी, मैं मुसलमान इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, मेरी बात सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओएसी बोल रहे हैं, मजहब को देखते हुए कि सब किया गया है, जो हुआ गलत हुआ, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो उनकी सोच है, उन्हें बोलने दो, हम नहीं जानते। मुसलमान का नेता बोलते हैं कौन? ओएसी। मुसलमान का क्या बोलते हैं? नेता। तो वो बोलते, जैसे मोदी जी अपना योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि मैं हिंदुत्व को बचाने के लिए जो भी कर रहा हूँ गलत, नलगो कदम। देखो सर, कभी नहीं बोला मैं, एक उनके अपनी उनकी सोच है, जो क्रिमिनल है मैं खत्म करना चाहता हूँ। जो भी एक्शन होते थे, जो भी गलत काम होते थे, वो तुम्हारे हिंदू कम्युनिटी पे होते थे, लड़कियां उठाई जाती थी, इज्जत लूट ली जाती थी, मकानों पे कब्जा हो जाता था, बहुत कुछ हो जाता था, इसीलिए आप लोगों ने उनको जिता के कुछ अपने हक में कुछ काम करवाया और वो कर भी रहे, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा। अब ओबीसी जी जो भी कह रहे हैं वो उनकी समझ में, हैदराबाद में जो भी कह रहे कोई बात नहीं, कहने दो। मैं तो हिंदुस्तान दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को यहाँ बुरा लगेगा, क्रिमिनल मेरा बाप होगा या मेरे भाई होगा, तो मैं उसको सजा कानून के दिलाने के हिसाब से मैं कहूंगा भाई मार दो, पीट दो, कुछ भी करो। मैं देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या वाकई में धर्म को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है? देखो सर, धर्म को तो देखा जा रहा है। कैसे? अगर धर्म को नहीं देखा जाता तो आप सबसे पहले नहीं बोलते कि धर्म को देखा जाता, धर्म को देखा जाता। लोग आरोप लगा रहे, तो देखा जा रहा है। कैसे? उत्तर प्रदेश। कैसे? उत्तर प्रदेश की बात मत करो, पूरे हिंदुस्तान की बात करो यार। उत्तर प्रदेश इतना सा है, हिंदुस्तान को लेकर चलो, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे? कैसे? अभी जैसे आप पूछ रहे हो मुझसे ज्यादा, तो आपको पता है, तभी तो आप मेरे से डिबेट पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए हिंदू मुसलमान क्या हो रहा है यार, हो रहा है, तभी तो आप मुझसे पूछ रहे हो। आप बोल बिजनेस है नेता होगा, यूं बोल खुल्ला, और कारोबार है ये। सबसे पहले हिंदू मुसलमान कहाँ थे, फिर क्यों जंग नहीं हुई थी? जब क्या कहते हैं उसे मारा है और जब एनकाउंटर कर रहा है तो और भी तो है, उनका क्यों नहीं हो रहा? कौन है और बताइए? अरे बता रहे उत्तर प्रदेश में, आप रिकॉर्ड निकालो ना उसका। वो पुलिस के ऊपर मारेगा, गोली चलाएगा तो मारेगा नहीं पुलिस? तो इस टाइम जब उनके ऊपर गोली फायर करी है तो वो पुलिस के ऊपर हथकड़ी, पुलिस की हथकड़ियों में थे या पुलिस के ऊपर फायर कर रहे? कौन हथकड़ियों में था? असद की बात कर रहे हैं? जिसकी आप, मैं बात कर रहा हूँ जिसके आप, एनकाउंटर नहीं हुआ उसका, एनकाउंटर नहीं हुआ, तीन बदमाश आए मार के चले गए। अच्छा, बदमाश आए मार के चले गए, फिर उनका क्या हुआ जिन्होंने मारा है? जेल के अंदर है वो, बिल्डोजर चल रही है उनका, बिल्डोजर नहीं चलाया गया उनके घर पे? हाँ, उठाए नहीं हुई उनके घर पे, बिल्डोजर तो नहीं चली। हाँ तो क्यों नहीं चला? लग रहा है तो लगवाना चलेगा ना, उठवाओ लगवाओ। अच्छा, मैं लगवा दूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ भैया। ओ भाई मुख्यमंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री के बात तक तो बात पूछाओ आप। जब बिल्डोजर, जब हर मुस्लिम के घर पे बिल्डोजर चल सकता है तो उसके घर पे क्यों नहीं चल रहा जिन्होंने उसे मारा तीनों को? अच्छा, उनके घर पे क्यों नहीं चल रहा तीनों के? लग रहा है पक्षपात किया जा रहा है। अरे वो तो खुला मालूम है सबको, मालूम है भाई, खुला आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, सबको मालूम है।
जब उसके घर पे बिल्डोजर, हर किसी के घर पे तो बिल्डोजर चल जाता है, उनके घर पे क्यों नहीं चल रहा? वहाँ चलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ चलना चाहिए उनके घर पे, घर तो चलवाओ, चलना चाहिए। लेकिन अतीक अहमद जो मरा, क्या उसको मसीहा मानना चाहिए क्या? अरे मसीहा क्यों मानना चाहिए, नेता था, नेता मानो भाई, नेता नेतागिरी में ही तो मरा है वो भी। नहीं। और वो माफिया था, वो अपराधी था, वो आतंकवादी था। एक मिनट, फिर वो नेता नहीं मानता, फिर वो नेता उसको नेता नहीं मानता। अरे तुम तो नहीं मानते, भागी इमाम तो मानती थी, कौन इमाम मानती थी, सही कह रहा है भाई, भागी पब्लिक तो मानती थी, तो इतने साल के बाद मरा है, डर के मारे मानती थी, बाकी पब्लिक डर के मारे मानती थी। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि विकास दुबे को कानपुर में विकास दुबे के नाम से डरते थे लोग, पेशाब कर देते थे पेंट में, उसका नाम था विकास दुबे, उसने एक मिनट पूरी बात तो सुनने, पहले पूरी बात वो भी जवाब दे देंगे, दो मिनट पहले बात तो सुन ले यार, बातें नहीं सुनना तू अपनी, अभी अपनी बात कर रहा था, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तू सुन ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग आ गए, ये बताओ किन्ने पेशाब कर रहा है पेंट में, उसका नाम से विकास दुबे का नाम ही आपने करा, आपने करा पेशाब, आपने करा, जिसको मैं क्या पेशाब करा, आपने करा, मैं उत्तर दुबई जी मारा था पेशाब, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, दुबई जी, दुबई जी आठ आपके नाम से आदमी घबरा जाते थे, उत्तर प्रदेश का हूँ, जिस मर्द ने क्या आपका हो गया ना, आपका हो गया, सुनी नहीं गए, वो नेता मानते, मेरी बात सुनो, अब मेरी को सुन लो, उत्तर वही होंगे जो गांडू होंगे, अरे यार गांडू तो कोई बोटली का नहीं है, कभी भी दो में दो लड़ लिया अकेला अकेला, यार यूपी का आदमी हूँ और जात के याद है कितनी करते थे भाई, एक बार हो के गाली नहीं, हमें ये बताओ, हम ये कोई अपराधी को, किसी अपराधी को क्या जात धर्म देखना चाहिए, किसी अपराधी को जात धर्म देखना चाहिए, भाई वो कुछ भी हो, हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, अरे रुक तो जाए यार, हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बड़े बड़े किंग आए और कितने कितने चलेगा, ठीक है भाई, ये बताओ मुद्दा किसने है उनके सामने, एक बार जाओगे तो तुम भी मुद्दोगे, भाई मैं भी उत्तर, भाई मैं उत्तरपुर से खुलवा के बात कर रहा हूँ, मैं तुम भी मुद्दो, तुम्हारे तुम्हारे जैसे 50 लोग मुद्दे थे कानपुर जिले में, समझे भाई, किसी ने जो जो आतिक साथ में हुआ सही हुआ, तो क्या मान रहे आप, जो आतिक साथ में हुआ सही हुआ, आतिक साथ में हुआ सही हुआ, हाँ उन बलात्कार ही था सही हुआ, और जो तिरंगा उनके ऊपर डाल रहे ना, वो तिरंगे का अपमान हो रहा है, ये जो तिरंगे का अपमान हो रहा है, ओ क्या होता है, ओ लुगाई हो गया, ओ लुगाई हो गया, हो गाड़ भटकाई हो, चल दिया, हो ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं, तिरंगे का अपमान है भाई, बिल्कुल, और कसम है तुम लोग ये बात मीडिया तक ऊपर तक ले जा रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, अच्छा गलत बात है, तो क्या लग रहा है इसमें योगी का फेलियर है? अब भाई मैं तो नहीं कह सकता, ना मैंने देखा ना मुझे मालूम है, लेकिन अपराधी को सजा मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो उनको जो अतीक अहमद को मारा है उसे भी घर पे चलना चाहिए बुलडोजर, भाई क्यों चलना चाहिए, वो भी अपराधी है भाई, उनके घर वाले तो अपराधी नहीं है, वो उनके बच्चों को क्यों चलना चाहिए, अच्छा और जिसके घर पे बुलडोजर चला, उनके घर वाले अपराधी थे भाई, जिनके घर पे चले होंगे तो भाई वो अपराधी होंगे, तो पक्षपात की वो उनके बच्चे हैं, उनके छत के नीचे रह रहे हैं भाई, किसी का घर क्यों बर्बाद हो, भाई जो अपराधी था बुलडोजर जो चल रही है ना, वो ऐसे आदमी पर चल रही जो अनऑथराइज है, अनऑथराइज जगह पर जो मकान बना हुआ है, एमसीडी से उसके नक्शा पास नहीं है और साथ बदमाश, तब हो रही है, जिसका घर सही है और सनी और इसका उसके परिवार वाले का स्टेटमेंट सुने क्या, भाई तो घर कब परिवार को कब छोड़ दिया, ये यहाँ रहता ही नहीं है, और जब उसका था जब फिर कैसे डालेगा, मेन चीज ये है कि बुलडोजर चल रही है तो वो एक पर नहीं चल रही है, जो अनथ है जो बनाए हैं, जो दूसरे के जमीन को हक पर लिए है, अपना दखल किए हैं उस पर चल रही है, लेकिन वैसे पूछ रहे हैं तीनों लड़कों के ऊपर यूएपीए क्यों लगाया गया अभी तक, वैसी के कहने से वैसी संविधान नहीं है ना, वहाँ जो सीट एसआईटी सीट जो बनी है वो जांच कर रही है ना, कोई नेता के कहने से नहीं होगा, एसआईटी सीट की जो रिपोर्ट होगी उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगा, क्या लग रहा है वो जो गुड्डू मुस्लिम था और जो अतीक अहमद की पत्नी थी शाइस्ता, और दोनों फरार चल रहे हैं, क्या लग रहा है इनका नंबर तो कहीं नहीं है, देखिए वो फरार चल रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस लगी हुई है, उन लोगों को भी पकड़ेगी, ठीक है, जो कानूनी कार्रवाई होगा उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई होगा, क्या लग रहा है कोई पक्षपात नहीं हो रहा, कोई पक्षपात नहीं हो रहा, क्या नाम है आपका, दो दिन पहले राणा का भी तो एनकाउंटर हुआ था, कहाँ कोई उसका मुद्दा उठाया, अच्छा। विकास दुबे का भी तो हुआ था, अच्छा। कहाँ कोई मुद्दा उठाया, अच्छा। ये तो सब राजनीति पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के चक्कर में करते हैं, क्या नाम है शाहनवाज, कहाँ रहने वाले, हम यूपी शाहजहानपुर, रामपुर से शाहजहानपुर,
ये बताओ आप तो उत्तर प्रदेश के, आपको तो पता होगा आतिक अहमद के बारे में और किस तरीके उसकी गुंडा राज था, तो अब वो खात्मा हो गया उसका, तो क्या लग रहा है? योगी राज में गुंडा राज तो बहुत कम हुआ है, बहुत 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 जो है लगाम लगाए, काफी लगाम लगाए। अच्छा, और देखिए काम बहुत ऊंचे लेवल पे हो रहा है यूपी में इस टाइम। रोड विभाग में आ जाए, किसी विभाग में आ जाए, जो चीज काम आज तक सालों में होते थे 10-10 सालों में, वो 10-10 महीने में हो रहे हैं। अच्छा, काम इतना काम हो रहा है काम। और हमारे शाहजहांपुर के जो खन्ना जी, वो भी हमारे शहर को बहुत जो है डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये जो गुंडे का खात्मा कर रहे हैं योगी जी, जो एनकाउंटर किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है सही हो रहा है सबका? वो तरीका उनका अपना अपना जो है, अपना अपना सबका जो है तरीका है, अपना अपना जो है तरीका है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कानून भी कोई चीज है, कानून के दायरे में करें तो किसी को बुरा भी लगेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी अहमद को निकाल के मतलब षड्यंत्र रच के गोली मारी गई है अतीक अहमद को, कोई ऐसे गोली नहीं मारी है कोई। अच्छा आप बताइए, कोई मीडिया का इंसान जाके, कोई इतना बड़ा अगर गुंडा इतना बड़ा डॉन चल रहा होगा तो 1 किलोमीटर दूर तक कोई भी बंदा घुस नहीं सकता। अच्छा। पुलिस के बीच में घुस के गोली मार कैसे दी? अच्छा। प्लानिंग के साथ हुआ ऐसा? प्लानिंग से ही हुआ है। इसमें क्या लग रहा है कि वो जहाँ पुलिस प्रशासन जो था, गवर्नमेंट थी, उसका हाथ था? अच्छा एक बात ये बताइए, अगर पुलिस प्रशासन के बीच में घुस के कोई गोली मार देगा तो पुलिस प्रशासन किस काम का? बिल्कुल उठना चाहिए, सवाल उठना चाहिए उन पर, फेलियर है उनका, मैं भी बोल रहा हूँ सवाल उठना चाहिए। लेकिन वो था आतंकी, वो था गुंडा, उसके मरने के बाद क्या लग रहा है कि उसको शहीद बोलना सही है? ऐसा नहीं, शहीद बोलना सही नहीं, उसने गरीबों का हक भी मारा है बहुत, ऐसा है जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी लोगों को, कई लोगों को जमीन दबाई है, हक मारा है। हाँ, उनके साथ भी होना था, यहाँ नहीं होना था, वहाँ होना था। अच्छा। कहीं तो होना था, यहाँ मिल गया, अब वहाँ भी मिलेगा। मतलब उसके मरने पे कोई दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन मारने का तरीका गलत था। जी, मारने का तरीका गलत था। अच्छा। लेकिन कोई दुख वाली कोई बात नहीं है, वो मरे से। यहाँ क्या नाम है आप? सुबोध कुमार यादव। सुबोध कुमार यादव जी, क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सही हो रहा है? बिल्कुल सही हुई अभी जो हुई है। लेकिन अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है। नहीं, उनको तो लगेगा क्योंकि हो सकता है उनके मतलब लिंक में हो बंदे। अच्छा, वैसे है ही उनके तरफ से, सांसद तो रह चुके थे वो। अच्छा, हाँ, जी, जी। तो क्या लग रहा है कि किसी अतीक अहमद के मुद्दे पे, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पे और गुंडाई के मुद्दे पे इसको तो साथ माना? एक ये सुरक्षा के मुद्दे पे एक तरह से गलत है, और वैसे लीगल कानून होना चाहिए, वहाँ पर लीगल होना था। लेकिन लीगल ही ना होगा, किसी बंदे ने आके ठोक के देता है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें पकड़ के रखा हुआ अभी, और इस पर आगे जाके लीगल एक्शन होगा अभी। हुआ जी, जो हुआ सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ हमारे, हम तो खुश हैं भाई, बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन वैसे बोल रहे हैं कि 3 लड़कों के ऊपर UAPA क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? हो सकता है आगे कुछ ना कुछ और बीच में होगा। किसने कहा? वैसे ने कहा, अभी तक तो नहीं है साहब, अभी हाई कोर्ट ऊपर बैठा है और सबके ऊपर बैठा है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के फैसले पर सारे काम होते हैं। आज भी वो बंदे जेल के अंदर है और उन पर पूरी कार्रवाई हो रही है, और जब कार्रवाई हो रही है तो सजा भी होगी और कानून भी है।